वीडियो देखने वालों को नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि चाइना का किन किन देशों के साथ डिस्प्यूट चल रहा है और कुछ देशों के बारे में हमने विस्तार से बात की थी। तो आज जो है कुछ और देशों के बारे में समझेंगे कि क्या जो है चाइना का उनके साथ डिस्प्यूट चल रहा है। तो चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है ताइवान से लेकर भी, अब ताइवान के साथ क्या प्रॉब्लम है उसको समझेंगे। तो हम जानते हैं कि दूसरे वर्ल्ड वार में जापान की हार हुई थी और जापान ने सरेंडर कर दिया था। तो जो भी हारने वाले देश थे उनने जो भी टेरिटरीज ऑक्यूपाई की थी वो उनको खाली करनी थी। तो जापान का कब्जा था चाइना के ऊपर और ये जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म होता है तो जापान को चाइना छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पे चाइना जो है उसमें ताइवान भी इंक्लूडेड था उस समय, लेकिन सिविल वॉर जो है चाइना में शुरू हो जाता है और ये सिविल वॉर बड़ा ही खतरनाक चलता है 1949 तक। तो इस सिविल वॉर के बाद क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक भाग जो है अपनी राजधानी बीजिंग को घोषित कर देता है, दूसरा भाग जो है जो कि KMT ग्रुप है वो जो है ताइवान की का जो शहर है ताइपे उसको जो है चाइना की राजधानी घोषित कर देता है। अब दोनों ही ग्रुप का जो है ये कहना है कि उनकी जो सरकार है वही चाइना की लेजिटिमेट सरकार है। तो इस तरीके से जो है ये विवाद शुरू हुआ। तो दो हिस्से जो है बन गए दो पार्टियों के कारण। एक था PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसकी राजधानी बीजिंग है, और एक है रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसकी राजधानी ताइपे है। तो ये जो है दो इस तरीके से बन गए। अब जो बीजिंग वाला ग्रुप है PRC वाला वो दावा करता है कि ROC यानी कि ताइवान ताइपे जो है वो भी हमारा है और वो पूरा वन चाइना हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि 1971 तक जो है PRC को सोवियत का सपोर्ट मिला और जो है ROC यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना उसको जो है वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि US UK जैसे देशों का सपोर्ट मिला। लेकिन 1979 के बाद जो है चीज़ें जो है वो बदलना शुरू हो गई, क्योंकि चाइना जो है उसका इकोनॉमिक पावर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। तो यहाँ पे समीकरण जो है वो बदलने लगे। तो ताइवान वाले साइड के साथ समर्थन कम होता जा रहा था और चाइना के साथ जो है बढ़ता जा रहा था। चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट जो है तजाकिस्तान के साथ भी था और इसको जो है चाइना ने स्मार्टली जो है अपने पक्ष में जो है वन साइडेड रेजोल्यूशन जो है वो करवा लिया। तो चाइनीज़ जो है उनका क्लेम रहा है ताइवान के बड़े हिस्से पर हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर। तो क्विंग डायनेस्टी का जो है 1644 से लेके 1912 के दौरान जो है चाइना तजाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर जो है राज रहा है और इसी के बेसिस पे जो है चाइना जो है क्लेम करता है कि तजाकिस्तान का बड़ा हिस्सा जो है हमारा है। अब तजाकिस्तान जो है एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और ये रशिया पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता था, लेकिन USSR के टूट जाने के बाद जो है रशिया हो गया काफ़ी कमज़ोर और यहाँ का इसी का फ़ायदा चाइना ने उठाया और अपना सॉफ्ट पावर जो है वो तजाकिस्तान में बढ़ाना शुरू कर दिया। तो कैसे किया उन्होंने, तजाकिस्तान के लोगों का सपोर्ट किया, वहाँ के जो लोग हैं जो चाइना में आके पढ़ सकते थे उनकी फ़ीस वीस माफ़ की। तो बाद में जब ये लोग तजाकिस्तान में गए पढ़ने के बाद तो क्या हुआ, ये चाइना के पक्ष में होने लगे। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे जो है एक प्रो चाइना जो है लॉबी जो है तजाकिस्तान में चाइना ने खड़ी कर दी और इसी का फ़ायदा इनको मिला कि 2011 में जो है इनके बीच जो है एग्रीमेंट साइन हुआ। और इस एग्रीमेंट के तहत जो है तजाकिस्तान ने क्या किया, 1158 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो चाइना को दे दिया। तो देखिए यहाँ पे वन साइडेड रेजोल्यूशन हुआ, तजाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिला लेकिन 1158 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है किसके पास चला गया, चाइना के पास चला गया। तो अभी भी जो है टोटल क्लेम जो है चाइना का जो है वो है 28,000 स्क्वायर किलोमीटर का, इसमें से 11,000 जो है वो ले चुके हैं। तो कुछ और हिस्से पर भी इनका दावा है जो भी शायद धीरे धीरे बाद में भी वो लोग ले लेंगे। अब तजाकिस्तान का इम्पोर्टेंस क्या है उसको समझते हैं कि कोई भी देश अगर किसी देश का एरिया लेना चाहता है तो उसका कुछ इम्पोर्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि यहाँ पे जो आप एरिया देख रहे हैं ये है इम्पोर्टेंस इसका। तो अफगानिस्तान का एक छोटा सा एरिया जो है यहाँ पे एक बफर के रूप में जो है बना हुआ है। अब ये जो एरिया है ये खास तौर पे अंग्रेजों ने जो है यहाँ पे इतना छोड़ दिया था। अब अंग्रेजों को लग रहा था कि जब उनका भारत पर राज था तो उनको लग रहा था कि रशिया जो है भारत पर हमला करने की, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और अफगानिस्तान के साथ जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी और अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लड़ने के बाद इतना एरिया जो है उन्होंने इंडिपेंडेंट छोड़ दिया, अफगानियों को दे दिया।
और वो इसलिए दिया क्योंकि वो चाहते थे कि भारत और जो उनका ब्रिटिश एम्पायर है इंडिया पे जो कब्जा किया उसका और रशिया के बीच में जो है एक बफर जोन बनी रहे, ताकि रशिया को अगर यहाँ पे इंडिया पर अटैक करना हो तो उसको जो है अफगानिस्तान को पार करके आना पड़े, यानी कि पहले अफगानियों से लड़ना पड़े। तो ये सोच के जो है ब्रिटेन ने जो है इतना एरिया जो है यहाँ पे छोड़ दिया था, और इसी ये जो है बहुत खास मकसद से छोड़ा था। तो उस समय जो है ये तजाकिस्तान किर्गिस्तान तक जो है रशिया पहुंच चुका था, तो रशिया का एक एम था कि वो भारत पे भी कब्जा करे लेकिन वो पूरा ना हो, इसीलिए जो है ब्रिटेन ने ये चाल चली और थोड़ा सा ये एरिया छोड़ दिया। अब इस एरिया की थोड़ी बॉर्डर लगती है किसके साथ, चाइना के साथ, और चाइना चाहता है कि यहाँ पर जो है हमारा ज़्यादा कंट्रोल हो, और वो इसलिए चाहता है क्योंकि इस साइड वाला जो एरिया है जिनजियांग वाला एरिया, ये एक मुस्लिम आबादी वाला एरिया है, मुस्लिम बहुल इलाका है, तो यहाँ पर अगर अफगानिस्तान से इनका डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, तो जिनजियांग प्रांत में आतंकवाद जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि चाइना के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। इसलिए जो है चाहता है चाइना कि एक यहाँ पे भी एक बफर जोन खड़ी हो जाए अफगानियों के बीच में और जिनजियांग के बीच में, ताकि जो है सीधे सीधे इनका कनेक्शन ना हो और आतंकवाद जो है वहाँ पे ना बढ़ पाए। तो इसीलिए जो है यहाँ पे तजाकिस्तान के एरिया पे जो है चाइना का इंटरेस्ट है। और जो है एक अच्छी बात इस फायदे की मिलती है सॉफ्ट पावर को बढ़ाने की, कि तजाकिस्तान एक ऐसा देश है जो चाइना को सपोर्ट करता है हांगकांग के ऊपर, क्योंकि एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर जो है यहाँ पे इन्होंने बना लिया है। चाइना का मिलिट्री बेसिस भी जो है तजाकिस्तान में बने हुए हैं, तो तजाकिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना के लिए, क्योंकि यहाँ पे है वाखन कॉरिडोर। अब वाखन कॉरिडोर यही है जी अफगानिस्तान वाला एरिया जो अभी हमने देखा। तो ये एक और मैप है, इसमें भी आप ये वाखन ट्रैक जो है, वाखन कॉरिडोर जो है देख सकते हैं। तो ये जो है इसीलिए अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया था ताकि जो है इनका सीधा कनेक्शन ना हो पाए भारत के साथ रशियंस का, और जो है वो ब्रिटिश एम्पायर जो उनका इंडिया में चल रहा था उसमें जो है कोई ख़तरा ना हो। अब इंडोनेशिया के साथ भी जो है इनका डिस्प्यूट चल रहा है, तो इंडोनेशिया का एक एरिया है जहाँ पे अच्छा खासा फिशिंग ग्राउंड है, वहाँ पे जो है चाइना अपना क्लेम करता है। तो चाइना ने जो है वन साइडेड एक डैश लाइन वाला जो है मैप जारी किया हुआ, तो ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर की डैश लाइन, तो ये जो है चाइना का खुद का बनाया हुआ एरिया है और इन्होंने खुद अपने मन से बना दिया और इस एरिया को बोल दिया कि ये सारा जो है हमारा आता है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया का कुछ एरिया जो कि एक अच्छा खासा फिशिंग ग्राउंड है यहाँ पे, तो इधर जो है चाइना अपना दावा करता है, तो इसके कारण जो है कई बार जो है इंडोनेशिया की नेवी और चाइना के लोगों के बीच जो है फिशरमैन जो है उनके बीच जो है झड़प भी होती रहती, तो यहाँ पे भी उनका अच्छा खासा दावा है। अब आते हैं मंगोलिया के साथ, तो मंगोलिया के साथ भी जो है चाइना इनका अब अच्छा खासा जो है डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन क्योंकि अब मंगोलिया काफ़ी कमज़ोर हो चुका है तो इस डिस्प्यूट का जो है एक तरह से फ़ायदा जो है इनको मिल जाता है। तो मंगोल का जब शासन चल रहा था तो कुबीली खान था जो कि पोता था चंगेज़ खान का, तो इसने जो है पूरे चाइना पर कब्जा कर लिया था, कितने 1279 में, तो 1279 में जो है यहाँ पे चाइना पर पूरा कब्जा कर लिया था और यहाँ पे एक युआन डायनेस्टी जो है यहाँ पे एस्टेब्लाइज हो गई थी। लेकिन जो है 1368 में जो है चाइनीज़ जो है वो वापस जो है कॉन्कर कर लेते हैं मिंग डायनेस्टी के अंदर और सक्सेसफुली जो है मंगोल्स को चाइना से भगा देते हैं। अब ये भगने के बाद जो है मंगोल जो है रशिया की मदद मांगते हैं और रशिया जो है इनको सपोर्ट करता है, तो 1921 में क्या होता है कि चाइनीज़ फोर्सेस जो है वो वहाँ से बाहर हो जाते हैं रशिया की मदद से। लेकिन रशिया को भी अंदाज़ा था चाइना की भविष्य में क्या योजना हो सकती है, भविष्य में जो है रशिया के बड़े हिस्से पर भी वो दावा कर सकता है, रशिया इसको अच्छे तरीके से जानता था, तो इसलिए जो है उन्होंने मंगोलिया का डिवीज़न इस तरीके से करवाया है कि मंगोलिया जो है रशिया और चाइना के बीच जो है एक बफर स्टेट बन जाए, ताकि अगर रशिया चाइना को रशिया पर कभी अटैक करना हो तो बीच में उसको जो है मंगोलिया को पार करते हुए जाना पड़े, जो कि उसके लिए मुश्किल काम हो जाए। तो यही सोचते हुए जो है इस तरीके से उन्होंने काम किया। तो ये जो है मंगोलिया है, आप मैप में देख रहे हैं, इसके इस तरफ जो है रशिया है और इस तरफ चाइना है, तो रशिया ने बड़ा स्मार्टली जो है इस तरीके से किया ताकि जो है ये एक बफर जोन बना रहे। साथ में जो है इसका जो साउदर्न पार्ट है इस पर जो है चाइना का कब्जा हो चुका है, तो साउथ मंगोलिया जो है यहाँ पे कब्जा हो चुका है। अब चाइना जो है धीरे धीरे इसको पूरा ही कब्जा करना चाहता है ताकि फिर रशिया के बड़े हिस्से पर भी जो है हम यहाँ पे पहुँच जाएँ। तो ये जो है चाइना का प्लान है।
अब आते हैं हमारे साथ क्या डिस्प्यूट चल रहा है, भारत के साथ क्या डिस्प्यूट है, क्यों डिस्प्यूट है। तो हमारा डिस्प्यूट है अक्साई चीन को लेकर और साथ में अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया पे। तो अक्साई चीन जो है हम कहते हैं हमारा एरिया है और इस पर चाइना का कंट्रोल है, और अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा एरिया है जिस पर जो है हमारा ही कंट्रोल है पर दावा यहाँ पे चाइना करता है। तो भारत और तिब्बत के बीच जो है बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे शासन चल रहा था 1914 में। तो ये 1914 का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से भारत की और तिब्बत के बीच क्या बॉर्डर है उसका जो है डिफिनीशन और रिकॉग्निशन जो है वहाँ पे हुआ था। अब इस लाइन को कहा जाता है मैकमोहन लाइन, क्योंकि जब ये सारा सर्वे हो रहा था तो उधर के सिविल इंजीनियर थे मैकमोहन, तो इन्होंने जो है इस लाइन को बनाया और ये किया। लेकिन चाइना का कहना है कि हम इस लाइन को नहीं मानते। तो चाइना जो है इस लाइन को मानता नहीं है, और उसका तर्क ये रहता है कि तिब्बत में तो कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी, उनको कोई अधिकार ही नहीं था इस तरह का ब्रिटेन के साथ कोई बॉर्डर एग्रीमेंट करने का, तो जो है हम इसको नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे 1962 में जो क्लैश हुआ था उसके बाद जो है एक नई बॉर्डर सेटअप हो गई जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो काफ़ी एरिया पे चाइना ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद जो है एक नई लाइन बन गई जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। 1967 में जो है ये लाइन कुछ और चेंज हो गई, क्योंकि 1967 में जो है यहाँ पे एक और क्लैश हुआ था जिसमें भारत का अपर हैंड था, और इसी क्लैश के बाद जो है सिक्किम को जो है भारत में कम्प्लीटली उसका विलय कर दिया गया था। तो एक नई लाइन ऑफ कंट्रोल जो है यहाँ पे बन गई। तो अभी जो है 1967 के हिसाब की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसी के हिसाब से जो है दोनों देशों की सीमाएं जो हैं निर्धारित हैं, पर ये एक्चुअल निर्धारण नहीं है। तो अब ज़रा हिस्ट्री पर आए कि क्या जो है डिस्प्यूट है, कैसे ये बना। तो अंग्रेज़ों की लड़ाई हुई थी सिखों के साथ, एंग्लो सिख वॉर, और इस लड़ाई में जो है सिख हार गए थे। हारने के बाद जो है सिखों को बोला गया था अंग्रेज़ों ने कि 1 करोड़ रुपए जो है उनको मुआवजे के रूप में दो। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। अब सिखों के पास जो है 1 करोड़ रुपए नहीं थे, तो क्या होता है कि एक राजा होते हैं डोगरा राजा गुलाब सिंह। तो ये गुलाब सिंह जो है क्या करते हैं, सिखों की तरफ से जो है 45 लाख रुपए जो है, सॉरी 75 लाख रुपए, 75 लाख रुपए जो है अंग्रेज़ों को देते हैं, और बदले में जम्मू और कश्मीर जो है उसको ख़रीद लेते हैं। तो ये जम्मू और कश्मीर जो है डोगरा राजा गुलाब सिंह का हो जाता है, कब, 1856 में सिखों के हार जाने के बाद, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जब हुई थी उसके बाद। तो यहाँ पे एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट आते हैं 1865 में जिनका नाम था जॉनसन। अब ये जॉनसन साहब आते हैं, ये क्या करते हैं भारत के बीच में और तिब्बत के बीच में और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, जो जम्मू कश्मीर के बीच में जो लाइन बनती है जिसकी सीमाएं के कहाँ तक हैं उसका जो है निर्धारण करते हैं, और एक लाइन बनाई जाती है जिसको बोला जाता है जॉनसन लाइन। तो इस जॉनसन लाइन के हिसाब से क्या है कि जम्मू और कश्मीर जो है ये भारत का हिस्सा है, अक्साई चीन जो है वो भी भारत का हिस्सा है, और ये जो है किस में आता है, ये जम्मू कश्मीर में आता है जॉनसन लाइन के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम शुरू होती है कि 19, अब यहाँ पे जॉनसन लाइन तो क्लियरली डिफाइन थी, पर भारत ने कोई वहाँ पे पोस्ट नहीं बनाया, कोई चेक पोस्ट नहीं बनाया, कोई अपने बॉर्डर फोर्सेस को वहाँ पे कभी डिप्लॉय नहीं किया। 1954 में जो है नेहरू जी जागते हैं और कहते हैं कि भारत की सीमाओं को अब क्लियरली डिफाइन कीजिए और उसके हिसाब से एक नया मैप जो है जारी कीजिए, और वो बोलते हैं कि जॉनसन लाइन जो है उसके हिसाब से जो है अपना एरिया जो है डिफाइन किया जाए। अब 1954 में जो है वो ये करने का कहते हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड में काम नहीं हुआ, और 1957 तक जो है क्या कर लेता है चाइना, अक्साई चीन के अंदर जो है एक हाईवे बना लेता है जो कि जिनजियांग और तिब्बत को कनेक्ट करता है। और ये एक हाईवे कितना था, 179 किलोमीटर अक्साई के अंदर था। तो इतना अंदर आके जो है वो ये जो है हाईवे बना लेता है। अब हमारे एरिया के अंदर वो आके हाईवे बना लेता है, वो भी 180 किलोमीटर, और ये हमें पता ही नहीं चलता है कि ये काम हो चुका है। तो 1958 में जो है हमें ये पता चलता है कि चाइना ने ऐसा एक हाईवे बना लिया, जब चाइना वहाँ पे नया मैप अपना पब्लिश करता है। तो इस पर जो है नेहरू ऑब्जेक्शन लेते हैं और कहते हैं कि ये जो अक्साई है ये हमारा हिस्सा है, लद्दाख का हिस्सा है, और इसको खाली करो। लेकिन क्योंकि सिर्फ बात होती है तो ये बात के ऊपर जो है कुछ काम होता नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है कि 1962 में क्यों जो है भारत और चीन के बीच जो है एक क्लैश हुआ था। तो ये पूरी हिस्ट्री है। तो ये जो आप रोड देख रहे हैं,
ये रोड है वो हाईवे जो कि चाइना ने 1954 से 1957 के बीच बना लिया और हमें पता ही नहीं चला कि ये हाईवे उन्होंने बना लिया है। तो ये हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा जो है फेलियर रहा, जिसके कारण जो है चाइना को इतना बड़ा मौका मिल गया। और उसके बाद अगर हम तुरंत रिटेलिएट करते तो हमारे लिए चीज़ें बड़ी आसान होती लेना, लेकिन वो भी हमने नहीं किया, तो जिसके कारण जो है सिचुएशन जो है कॉम्प्लेक्स ही हो गई और चाइना के फेवर में जो है वो परमानेंटली ही हो गई। तो ये एक इशू यहाँ पे खड़ा हो जाता है। अब इम्पोर्टेंस की बात करें कि क्योंकि कोई भी एरिया कोई देश अगर कब्जा कर रहा है तो उसका पीछे कुछ इम्पोर्टेंस होता है, तो यहाँ पे हमें समझने है कि ये जो अक्साई प्लेट्यू है वहाँ पे कोई ह्यूमन इम्पोर्टेंस है नहीं, क्योंकि इस तरह की वहाँ की ज्योग्राफी है कि इंसानी बस्ती वहाँ पे जो है ज़्यादा नहीं रह सकती, मुश्किल है वहाँ पे, बड़ा कॉम्प्लेक्स है उधर, है ना। तो ह्यूमन इम्पोर्टेंस जो है वो कुछ भी नहीं है, ना भारत के लिए है ना चाइना के लिए, लेकिन चाइना के लिए जो है मिलिट्री इम्पोर्टेंस जो है काफ़ी है। मिलिट्री इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इस अक्साई चीन वाले एरिया से चाइना को एक ऐसा रास्ता मिलता है जहाँ से वो तरिम बेसिन पर के लिए जो है पहुँच सकता है। तो तिब्बत से तरिम बेसिन के लिए जो है एक रास्ता यहाँ पे मिल जाता है, और ये रास्ता जो है ऐसा रास्ता है जो कि 12 महीने खुला रहता है। तो अधिकतर जगह जो है बर्फ बर्फ जम जाती है, पहाड़ पहाड़ हैं, तो एंट्री पॉसिबल नहीं होती है 12 महीने। तो इस रास्ते के कारण जो है वो 12 महीने जो है उनको एक्सेस मिल जाता है, और इसीलिए जो है चाइना के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं येलो एरिया, ये है तरिम बेसिन, तो ये एक मैदानी इलाका है ये वाला। इधर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बने हुए हैं पहाड़, बहुत सारे यहाँ पे पहाड़ हैं और इन पर बर्फ बर्फ पर रहती है, तो इसके कारण यहाँ से सीधा तिब्बत से इस वाले एरिए तक जो है एक्सेस 12 महीने नहीं मिलता है। लेकिन इस रास्ते से जो कि अक्साई चीन से होते हुए जाता है, तो यहाँ से एक ऐसा रास्ता मिल जाता है जो कि 12 महीने खुला रहता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, चाइना को एक कनेक्टिविटी मिल रही है, ऑल राउंड कनेक्टिविटी मिलती है तरिम बेसिन पे, और इसीलिए जो है चाइना को इस एरिए में इंटरेस्ट है। अदरवाइज जो है ये ह्यूमन इम्पोर्टेंस के हिसाब से ये एरिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। स्ट्रेटेजिकली बोलें, ज्योग्राफिकली भी बोलें, तो ये एरिया भारत के लिए भी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि टेक्निकली हमारा एरिया है तो इस पर जो है हमारा ही दावा होना चाहिए। अब एक और एरिया जहाँ पे डिस्प्यूट है भारत और चाइना के बीच जो है वो ये वाले एरिया पे, साक्षकम ट्रैक के ऊपर। तो ये वो एरिया है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को जो है गिफ्ट कर रखा है। तो इतना एरिया जो है कश्मीर का, पीओके का, चाइना को जो है पाकिस्तान ने दे रखा है, और ये इसलिए दिया है ताकि चाइना चाहता था कि कश्मीर डिस्प्यूट में जो है चाइना भी इन्वॉल्व हो जाए। तो पाकिस्तान ने जस्ट चाइना को इन्वॉल्व करने के लिए भारत और पाकिस्तान के डिस्प्यूट में यहाँ पे इसको दे दिया। अब यहाँ पे क्या सोचती थी पाकिस्तान का सोचना ये था कि हम जो है इतने स्ट्रांग नहीं है कि भारत से अकेले निपट लें, तो एक बड़े पावर को यहाँ पे अगर हम इंक्लूड कर लेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। तो यही सोच के जो है इतना एरिया जो है चाइना को पाकिस्तान ने दे दिया। तो यहाँ पे भी एक डिस्प्यूट है जिस पर जो है भारत अपना दावा करता है, और ये जो है अभी चाइना के कंट्रोल में है। फिर आते हैं अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया पे, तो इस पर जो है चाइना का दावा है, तो चाइना कहता है कि ये तिब्बत का हिस्सा है और इसलिए जो है ये हमको मिलना चाहिए। तो भारत के बीच में और तिब्बत के बीच में जैसा हमने देखा है कि मैकमोहन लाइन जो है डिफाइन हुई थी, और मैकमोहन लाइन के बेसिस पे ही जो है ये बॉर्डर बनी हुई थी, लेकिन चाइना जो है इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, उसको बकवास कहता है, और ये तर्क देता है कि जिस गवर्नमेंट ने जो है ये मैकमोहन लाइन साइन की थी वो एक लोकल गवर्नमेंट थी, वो कोई ऑथेंटिक गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिए जो है उनके द्वारा बनाई गई मैकमोहन लाइन जो है कोई मान्य नहीं होती है। अब यहाँ पे जो है भारत का ये तर्क है कि एक तो नेचुरल बॉर्डर है भारत और तिब्बत के बीच, वो है हिमालय की, तो हिमालय जो है एक नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करता है, तो हिमालय के इस तरफ का एरिया जो है भारत का होता है, उस तरफ का एरिया जो है तिब्बत हो जाता है। अब इसी हिसाब से जो है मैकमोहन लाइन भी बनी हुई है, तो टेक्निकली जो है वो हमारा ही एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे चाइना को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए, और साथ में जो है चाइना के पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट भी नहीं है इस बात को प्रूव करने के लिए कि अरुणाचल वाला एरिया जो है वो तिब्बत का आता है। कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक हवाई दावा जो है यहाँ पे वो करता है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है मैकमोहन लाइन, जिसके हिसाब से जो है अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री बनती है, लेकिन चाइना जो है इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, और जो है यहाँ तक जो है वो दावा करता है कि ये एरिया जो है वो तिब्बत के अंदर आ जाता है, और ये इसीलिए जो है हमारा हो जाता है।
यहाँ पे जो है हमें एक और बात देखने की है कि चाइना जो है हर कुछ भी छोटी मोटी हिस्टोरिकल कनेक्शन भी किसी के निकल आते हैं तो उसके बेसिस पे जो है वो दावा कर देता है। अब हमको भी थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए। तो भले ही हमारी इच्छा ना हो उस एरिया को ख़रीदने के लिए, पर अगर दूसरा देश एग्रेसिव होके जो है हमारे एरिए पे दावा कर रहा है तो हमको भी काउंटर में वही करना चाहिए, भले ही हमें जो है लेने में एक्चुअल इंटरेस्ट ना हो। तो अगर आप देखें भारत के इतिहास को, चोला डायनेस्टीज़ का एम्पायर कहाँ तक था, मौर्यन डायनेस्टीज़ का एम्पायर कहाँ तक था, तो हम क्लियरली समझ सकते हैं कि साउथ एशिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो भारत का ही हुआ करता था। तो चाइना जिस बेसिस पे दावे करता है उससे वो तो एक्चुअल में टेक्निकली बनते भी नहीं हैं, लेकिन हम अगर ये दावे करने लगे तो हमारे तो वो टेक्निकली दावे क्लियरली बन जाते हैं। और हमें ये करना चाहिए क्योंकि इससे जो है क्या जो जो बोला जाता है कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। तो अगर दुश्मन आप पर अटैक कर रहा है तो आप भी अटैक करो, तो उससे आपका डिफेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये जैसे हम देखें मौर्यन एम्पायर का ये नक्शा है, तो मौर्यन एम्पायर का नक्शा है जो 321 BC से लेके 185 BC तक। तो यहाँ आप देखिए ईरान तक जो है हमारा एरिया था, अफगानिस्तान तक जो है वो पूरा हमारा था, पाकिस्तान भी जो है पूरा हमारा था। तो इसके बेसिस पे हम जो है सारी चीज़ों पर दावा कर सकते हैं। इधर आप देखें तो म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, थाईलैंड हो, यहाँ तक जो है हमारी पहुँच हो जाती है। तो इतना बड़ा जो है एरिया जो है क्लियरली इस पर जो है हम दावा कर सकते हैं। यहाँ का भी आप देखें तो नेपाल आ जाता है, और जिस एरिया पर आज के समय चाइना का कंट्रोल है वो भी जो है भारत का कभी होता था। तो इधर देखें अक्साई चीन से भी आगे जिनजियांग तक का जो एरिया टच होता है वो भी जो है मौर्यन एम्पायर का था। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हम भी जो है बहुत कुछ दावे कर सकते हैं, और ये हमको करना चाहिए, तभी जो है हम इजीली काउंटर कर सकते हैं। अब पता नहीं जो है हमारी लीडरशिप जो है थोड़ी सी क्यों इतनी मेंटली वीक है कि इस तरह के दावे वो नहीं करते हैं। तो इस पर जो है आप अपने कमेंट्स रखिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।